अखबार पर तो पहले ही से खफा थे। अदालत में फादर लॉन्ग का जुर्माना भरने के कारण आपसे भी नाराज हैं। हरीश दा नहीं रहे तो उन्हें मौका मिल गया। कल रात उन्होंने आकर प्रेस पर ताला लगा दिया। क्या? मगर ये कैसे कर सकते हैं वो? प्रेस अमेंडमेंट तो सन 33 में आ चुका है। नहीं, ये तो बहाना है लाइसेंस का। लाइसेंस तो हरीश दा के नाम था, हमें नया लाइसेंस लेना पड़ेगा। शंभू, ये सरासर अत्याचार है। This is sheer injustice, I tell you people. And I'm not going to keep quiet and I'm definitely going to do something about it. Naveen da, इस तरह उत्तेजित होने से कैसे काम चलेगा? आपका एक महीने से नहाना खाना बंद था, प्रेस में ही लगे रहे, ऐसे कब तक चलेगा? शंभू, तुम कैसी बातें कर रहे हो? प्रेस डूब रहा है और तुम कहते हो कि मैं आराम को नहीं कर लेता? Can't understand. नवीन, जब लड़ाई के मैदान में उतरे हो तो वार तो सेना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा, आप लोग जाइए अपने घर। Just let me mull over these matters. I'll think of a solution. थक गए क्या? कितनी मेहनत करते हैं आप? कैसी लग रही हूं मैं? आपने देखा भी नहीं। जानते हैं आप, कुसुम दीदी ने अपने हाथों से सजाया मुझे। सरोज, तुम बस सजो सवरो। क्यों, अच्छी नहीं लग रही हूं? सजने सवरने से इंसान बदल नहीं जाता है सरोज, समझी तुम? ये क्या कह रहे हैं आप? सभी औरतें तो सजती सवरती है, क्या मेरी इच्छा नहीं होती? क्या मैं कुछ भी नहीं? क्या आप एक बार भी मेरी तरफ प्यार से नहीं देख सकते? बैठे बैठे तुम्हारा चेहरा निहारते रहने का समय नहीं है मेरे पास सरोज। अरे अपने को छोड़, दुनिया में क्या हो रहा है कुछ जानती हो तुम? क्या हुआ? अगर आप मुझे नहीं बता सकते तो कुसुम दीदी को बताइए, वो तो सब खबर रखती है ना। कुसुम, कुसुम मत करो और जाओ यहां से, चलो जाओ यहां से। दीदी। ए सरोज, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है रे? दीदी, मैंने ऐसा क्या किया जो वो मेरे साथ ऐसा कर रहे? तो पहले चुप तो हो जा, फिर ठीक से बोलना। दीदी, तुम मुझे पूछ लेना, उन्होंने मुझे बाहर क्यों निकाला? धत पगली, मुकदमा लड़ेगी क्या? नहीं दीदी, तुम चलो मेरे साथ और उसे पूछ लेना। चलो ना दीदी। हाँ हाँ, चलती हूँ। तो रोना तो बंद कर पहले। पगली, लगता है आज बहुत परेशान है। प्रेस में कुछ गड़बड़ चल रही है ना, शायद इसलिए। फिर कभी बातें कर लेंगे। चलो।
नहीं, नहीं। सरोज बोतल दो ना। डॉक्टर ने आपको ये सब पीने के लिए मना किया है, अब तो किसी का नहीं सुनते। अब तो मुझे माँ जी के पास जाना पड़ेगा। किसी ने अगर माँ जी से मेरी चर्चा की ना तो याद रखो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनको अपने पूजा घर में ही रहने दो। यहाँ बैठ ही गया हो सरोज, वो बोतल देनी तो दो, वरना चली जाओ यहाँ से, चले जाओ। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ये बच्चों की तरह जिद मत कीजिए। नवीन, डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर दुर्गाचरण। तुम तो पहचानते हो इन्हें, है ना? दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है? बोलो नवीन, तुम्हें दर्द हो रहा है? जवाब दो डॉक्टर साहब को। पुराने प्रिस्क्रिप्शंस कहाँ हैं? जी मेरे कमरे में हैं, मैं अभी ले आता हूँ। चलिए वहीं देख लेते हैं। अच्छा आइए। नहीं सर जी, नहीं नहीं। कुछ खास बात तो है नहीं कहने डॉक्टर। समझ में नहीं आते इसका क्या करूं, किसी की सुनता भी तो नहीं, खुलकर बात भी नहीं करता। चेहरे पे तो भाव उसके ऐसे हैं जैसे उसको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा हो। मैंने तो उसके सामने जाना बंद कर दिया है, मुझे देखकर न जाने उसे क्या हो जाता है। लगता है अब उसकी माँ को बताना पड़ेगा। नहीं नहीं, इसके लिए तो उसने सख्त मना करके रखा। एक ही आदमी था, हरीश मुखर्जी, जिसका कहना वो मानता था। हाँ वो भी नहीं रहा, आज अगर वो होता तो। और एक जन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, शायद वो छुटकू से बात करके कुछ पता कर सके। ठीक है, जैसा तो मुझे समझो। जी छुटकू, सभी डॉक्टर तो यही कहते हैं कि ऐसी कोई बीमारी तो है नहीं, फिर तू क्यों इतना बुझा बुझा सा रहता है? हाँ? क्या हो गया है तुझे? तुम्हें तो खुश होना चाहिए,
कुछ पढ़कर सुनाओ, गाना सुनोगे, उस्ताद बुलाओ, चलो कहीं घूम कर आते हैं। हा? ना भैया, हर बात में ना ना क्यों करता है छुटकू? क्या हो गया है तुम्हें, मुझे नहीं बताएगा? मैं डॉक्टर के यहां जा रहा हूं दवा लेने, तुम यहीं रहना, उसकी देखभाल करना, तुम्हें और कोई काम करने की जरूरत नहीं है, समझ गई? मुझे यहां कोई नहीं चाहिए, सब चले जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे यहां, और अगर मेरी मदद भी करनी है तो मुझे वो शराब की बोतल दे दो, नहीं तो मैं खुद ही उठ कर ले लूंगा। ये आप क्या कर रहे हैं? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? अगर मैं मर जाऊं तो तुम फिर से विवाह कर लेना सरोज। सरोज, लीजिए, आप इसे भी खुश और सुखी देखना चाहते हैं ना, जैसे आपने मुझे बनाया? क्या समझते हैं आप हम लोगों को, कोई पुतला, गुड़िया या खिलौना? जब जी चाहा दो मीठी बातें कर ली, और जब मन चाहा तब। क्यों आप खुश नहीं? खुश कैसे रहूं अगर आप इस तरह बर्ताव करते रहे जैसे हम लोग कुछ भी नहीं। दया कौन चाहता है आप लोगों से, हमें सम्मान चाहिए। आप किस सम्मान को ठेस पहुंचे? क्या ऐसा कुछ किया है मैंने? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जिस दिन से मैं इस घर में आई हूं आप कतराते रहते हैं। मैं कोई सरोजिनी जैसे छोटी बच्ची नहीं हूं। आप क्या सोचते हैं, मैं समझती नहीं? क्या आप बता सकते हैं हमसे इतना दूर दूर रहने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? मुझे जितना भी दुख हो मैं सहन कर सकती हूं, पर मुझसे और ये नहीं सहा जाता कि सरोज जैसी एक मासूम लड़की का दिल दुखा रहे हैं आप, जो पागलों की तरह आपसे प्यार करती है। मैं तो किसी को कष्ट देना नहीं चाहता, ज्यादा कष्ट तो मुझे ही हो रहा है, ये आप नहीं समझेंगे। मुझे ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, आप इतना कुछ समझते हैं लेकिन ये जरा सी बात आपके समझ में नहीं आ रही। किसी का भी मन उसके अपने वश में नहीं होता, खामखा अपने मन को कष्ट मत दीजिए। आपके लिए मेरे दुख से कहीं ज्यादा दुख दुनिया में और भी हैं। वहीं आपके शुरू किए हुए काम भी बड़े हैं और शेष काम भी। आप अपने ही धुन में खोए रहेंगे तो वो सब काम करेगा कौन?
नवीन दा। अरे आओ 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 शंभू, आओ बैठो। क्या लाइसेंस का कुछ पता चला? नहीं, आज जा नहीं सका नवीन दा, विद्यासागर जी को देखने के लिए चला गया था। अच्छा, सब ठीक तो है? वे बालिका विद्यालय देखने के लिए जा रहे थे मैरी कारपेंटर के साथ, रास्ते में बग्घी उलट गई, काफी चोट आई है उन्हें। अच्छा, अब कैसे हैं? अभी तो कुछ ठीक हैं। जानते ही हैं आजकल किसी के मिलने जाने पर नाराज हो उठते हैं, मिलने गया तो खफा हो उठे, किसी के कुछ भी अच्छी बात कहने पर यही समझते हैं कि कुछ मांगने के लिए आया है। भाई इसमें उनका क्या दोष है? लोगों ने उनके साथ व्यवहार ही ऐसा किया है। बोल रहे थे विधवा विवाह भी पैसा कमाने का साधन हो गया है, जैसे अवहेलना सहते सहते हमारे देश के किसानों की हालत हो गई है, वैसी ही दशा हमारे घर की औरतों की हो गई है। जैसे सर झुकाकर अत्याचार सह लेना ही उनके लिए सबसे बड़ा गुण है, इसीलिए आजकल स्त्री शिक्षा के माध्यम से उन्हें स्वावलंबी बनाने की चेष्टा में लगे हैं। एक बात कहूं ना विंदा? कहो। अभी तो हमारे पास समय है, क्यों ना इसी बीच हम लोग गांव घूमाएं? आपके दवाई लेने का समय हो गया है। सरोज, आओ बैठो, बैठो। तुम्हें मुझसे डर लगता है ना? मैंने बहुत अत्याचार किया है तुम पर सरोज, जानती हो सरोज? कभी कभी इंसान अपने में इतना व्यस्त हो जाता है कि दूसरों पर क्या गुजर रही है वो सोच ही नहीं पाता। मैंने अपना पति धर्म ठीक से नहीं निभाया ना सरोज। आप तो अपने बड़े बड़े कामों में लगे रहते हैं और फिर मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूं। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं सरोज, बचपन से ही तो तुम मेरे साथ हो, बल्कि मैंने ही तुम्हें पढ़ाने का प्रयास नहीं किया। भूल तुमसे हुई है सरोज, मुझे माफ कर दो। ऐसा मत कहिए आप, मैं गांव से लौट कर आ जाऊं, फिर मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगा। आप कहीं बाहर जा रहे हैं? वैसे तो हम लोग जमींदार हैं, लेकिन आज तक एक गांव भी नहीं घूमा। लेकिन डॉक्टर ने तो आपको आने जाने के लिए मना किया है। डॉक्टर तो कहते ही रहते हैं, लेकिन अब मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक। अब मुझे कुछ नहीं होगा सरोज। और अभी तो मुझे बहुत दिन जीना है तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए।
Thank you.